प्रज्ञानं सुप्रतानि स्थिरचरणिकरा व्याप्यभिर्व्याप्यलोकान् भुक्त्वा भोगानष्टभीष्टान् पुनरपि विष्णुसनुभाषितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वदीमधुरहं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि। अथर्ववेदीय मांडव्य उपनिषद के आगम प्रकरण का विचार करते हुए सातवां मंत्र बनाया है। छह मंत्र के द्वारा जिसके ऊपर चल करके व्यक्ति उस तुरीय पद को प्राप्त कर सकते हैं उसको कहा, और जो है अभी जिसको कहना चाहते हैं जो प्राप्त करने योग्य पद है उस पद के बारे में वर्णन कर। सामान्य एक व्यक्ति आदि है कि किसी व्यक्ति को फिर सर्प अथवा जो संबंधित भ्रांति हो गई तो वो भ्रांति के कारण से इधर उधर दौड़ रहा है, चोर चोर अथवा सर्प सर्प करके कोई व्यक्ति इतना कहते हैं कि चोर नहीं है, इतने मात्र से उसका डर नहीं जाएगा, क्योंकि उसको जहाँ पे भ्रांति हुई थी वहीं पे यदि कोई दिखा दे कि यहाँ पे चोर नहीं है अथवा यहाँ पे सर्प नहीं है तब शांत हो जाए, ठीक है ना। ये तब जाकर के उस तो बोध होता है उसका, और क्या होता है अपने स्वरूप का भी बोध होता है। इसी प्रकार इस तुरियों के ऊपर ही मतलब तुरी ही उपाधि के कारण से विराट तेजस और प्राग रूप में दिखाई पड़ते हैं, विश्व विश्व तुरी दिखाई पड़ते हैं, तो हमको निषेध करने के लिए तुरियों को ही दिखाना पड़ेगा कि इसी के ऊपर और नहीं है। जो वस्तु जहाँ पे दिखाई दे रहा है उसी पे यदि उसका निषेध हो जाता है तो उसको मिथ्या कहा जाता है। प्रतिपन्न उपाधो त्रैकालिक निषेध और प्रतियोगिता मिथ्याद्वित सिद्धि में मधुसूद परिभाषा है। शब्द यही है जिस वस्तु को जहाँ दिखाई दे रहा है जहाँ पर उसी को वहीं पर अगर निषेध हो जाए तो वो मिथ्या है। आप बोलेंगे कि वेदांती जगत को मिथ्या मानते हैं, ये कोई भगवान शंकराचार्य अथवा हमारे इसका गौर पदाचार्य का मनोकल्पित नहीं है। श्रुति यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, जिस तुरियों के ऊपर जागृत स्वप्न सुषुप्ति दिखाई दे रहा था वही वस्तु वहाँ पे नहीं है ना अंतःप्रकरण, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है, मिथ्या जगत मिथ्या। तो ये ना गौर पदाचार्य का मनोकल्पित है और ना आपका शंकराचार्य का मनोकल्पित है, श्रुति ने ऐसा दिखाया ये सिद्धांत है। और ये कैसे होता है, ज्ञान निवर्तक मिथ्या, ये तुरियों की ज्ञान से ही तुरीय को तुरीय जो तुरीय जागृत स्वप्न सुषुप्ति के माध्यम उपाधि के साथ दिखाई दे रहा था वहाँ पे नहीं है, वो कह देने पर क्या हो जाएगा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति पारमार्थिक नहीं है, वो कोई सत्य वस्तु नहीं है। जगत मिथ्यात्व की कल्पना कोई बहुत पदाचार्य की अथवा शंकर मनोकल्पित नहीं है। इसी के ऊपर आधार करके ये हमारा द्वितीय प्रकरण आएगा ना वैतथ्य प्रकरण, इस मंत्र को आधार करके वैतथ्य मिथ्यात्व जगत सिद्ध करते हैं। देखिए क्यों गौर पदाचार्य के मन में जगत पारमार्थिक नहीं है ये सिद्ध क्यों हुआ, क्योंकि श्रुति कहेंगे ऐसा जिस वस्तु जहाँ पे दिखाई दे रहा है उसी को वहाँ पर निषेध कर रहे हैं, वहीं पर निषेध कर रहे हैं, यानी कि ये पारमार्थिक वस्तु हमारा अनुभव है, ये हमारा अनुभव है कि रज्जु जिस रज्जु को सर्प को दिखाई दे रहा है उसी सर्प को उसी रज्जु के ऊपर निषेध किया जाता है। जहाँ पे जिस शक्तिका के ऊपर चांदी दिखाई दुकान की चांदी निषेध नहीं कर रहे हैं, जिस शक्तिका के ऊपर चांदी दिखाई दे रहा है उसी शक्तिका के ऊपर चांदी के निषेध होता है, तब वो मिथ्या सिद्ध होता है। और ज्ञान निवर्तक मतलब इसका ज्ञान मात्र से ही जद ज्ञात्वा मोक्षसे शुभा, जानने मात्र से ही अब जो असुर से मुक्त हो जाएंगे। ये शंका ये हुई थी ना कि आपने यहाँ पे निषेध मुख से दे प्रतिपादन करना, ये नहीं है जब आपने बोल दिया मतलब ये तीन से नहीं है, चार व्यक्ति को लाया ये तीन नहीं है तो चौथा ही होगा, तो हमें फिर बोलने की क्या आवश्यकता है, ये बोलने की आवश्यकता है जिस व्यक्ति सर्प के डर के मारे भाग रहा है उस व्यक्ति को पकड़ करके ले जाके देखो जहाँ पे तुमको सर्प दिखाई दे रहा है पहले बोलना पड़ेगा ना, आयम सर्प
यम रज्जु, यानी कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति अंत प्रगुभ ये नहीं है, ये शुद्ध पूर्ण व्यापक तत्व है, ये परिषद करते हैं। ये हो गया श्रुति की अभिप्राय, और इसी मंत्र के आधार पर ही वैदत्व प्रकरण आएगा। ठीक है, अब हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, देखिए सो अयम आत्मा पेज 46 को हम पढ़ लिए थे। सो अयम आत्मा चतुष्पद बोल दिए थे, और आत्मा में दो रूप है, एक पारमार्थिक रूप है, एक अपारमार्थिक रूप है। अपारमार्थिक रूप है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और पारमार्थिक रूप है उसका दृष्टान्त भी। ठीक है ना, इसलिए हमें बोले थे कि सो अयम आत्मा परमार्थ अपरमार्थ रूप चतुष्पद इति उक्त है, जो कहा तस् अपरमार्थिक रूपम अविद्या कृतम रज्जु सर्पादि समम उक्तम प्रागत्वय लक्षणम बीजंकुर स्थानीयम कार्यकरण भाव से जुड़ा हुआ। ये तीन पद में दिखाई देते हैं, बीजंकुर के स्थान में बीज अवस्था हो गया सुषुप्ति अवस्था, और अंकुर अवस्था हो गया आपका सपना अवस्था, और वृक्ष हो गया आपका विराट अवस्था स्थूल अवस्था। अथ इदानी अभिजात्मकम, आप श्रुति क्या कहना चाहते हैं, जो बीज रूप नहीं है, बीज से परे है, अभिजात्मकम जो पारमार्थिक स्वरूप है, रज्जु स्थानीय मतलब जो अधिष्ठान रूप है, सर्पादि स्थानीय उक्त स्थानत्र। देखिए सर्पादि स्थान क्या है, जिस प्रकार रज्जु को सर्प दिखाई दे रहा है, इस प्रकार सर्प के समान है कौन जागृत स्वप्न सर्पादि स्थानीय मतलब सर्प हुआ चोर हुआ सुप्ति हुआ उसके स्थान में है कौन, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसलिए उसको निषेध कर, जहाँ पे जो दिखाई दे रहा है उसको वहीं पर निषेध कर रहा है, इसीलिए मिथ्या है। इसे सर्पादि स्थानीय उक्त स्थानत्र निराकरण न, जो स्थान है जो सर्पादि स्थान मतलब भ्रांत वस्तु है जो ये देखिए, तो उसको उसी स्थान में निषेध करते हैं, बोल तो क्या हो जाएगा, अधिष्ठानी एकमात्र सत्य वस्तु। आप लोगों ने पुराण में मदन समाता के पढ़े हुए, तो बचपन से बच्चे को सिखाता था ये, इसका एक ही मत मानता था, शुद्धोशी बुद्धोशी निरंजनोशी संसार माया परिवर्तितोशी, संसार स्वप्न तेरे मोह निद्र शुद्धो श्रे तात नतेस्ति नम कृतम हित कल्पनया अधुनैव नतस्यतम कृतम हित कल्पनया अधुनैव नतस्यतम रोदसी का सहित, तो कल्पना से तुमने हमने किया उस ना, वो ना उस वो तुम्हारा है ना वो तुम उस तुमको ना वो तुम्हारा है ना ना तुम उसके हो, तुम उससे बिल्कुल विलक्षण हो, उससे रोते क्यों है, यही ये आजकल तो शिक्षा ही लगभग नष्ट हो गया, ये शिक्षा देने वाला कोई नहीं है, बहुत मुश्किल से बुढ़ापा में आकर के कहीं धन मंत्र की शुक्र से इस मार्ग में आ गए तब जाकर के थोड़ा वो ये वास्तविक मैं कौन हूँ जिज्ञासा होती है तब जाकर के उसके प्राप्त। तो इस अभिप्राय से आप जिस वस्तु देखा जिस वस्तु जहाँ पे दिखाई दे रहा है उसके वहीं पर अगर निषेध करते हैं ये श्रुति ने किया वो मिथ्या माना जाता है। इसलिए आप देखिए इसको पट्टी का इस पंक्ति भाष्य का पढ़ लिए थे टीका में, अथ इदानीम इसके बाद अब अथ मतलब इसके बाद मतलब ये तीन पाद की कथन करने के बाद अब इस इदानीम अभिजात्मक में, अभिजात्मक मतलब टीकाकार देखिए लिख रहे 47 पेज में पहला नहीं टीका अभिजात्मक कार्य कारण विनिर्मुक्तम इति जान, कार्य कारण भाव से रहित है, वास्तविक कार्य कारण भाव वहाँ पे है ही नहीं, मतलब उसका धर्म करके हम दिखाते हैं कोई अधिष्ठान तत्र हेतु क्यों कार्यकारण भाव नहीं है सूच रहते हैं, क्योंकि इसका पारमार्थिक स्वरूप है, जहाँ कहीं भी कार्यकारण भाव होगा ना वो विकारी वस्तु होगा, विकारी वस्तु होगी, और इसके स्वरूप में कोई विकार नहीं है, अविकारी है, इसलिए यहाँ पे कार्यकारण भाव नहीं। तत्र हेतु सूच रहे परमार्थ तो परमार्थ स्वरूपम रज्जु स्थानीय, अब ये कहते हैं तस् विधि मुखेन निर्देश अनुपपत्ति प्रागुक्तम, उसको जो है विधि मुख से नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि विधि मुख से उसको दिखाया जा सकता है जिसके अंदर जाति गुण क्रिया संबंध हो, जिसके लिए शब्द प्रयोग हो सकता है, उसको विधि मुख से नहीं दिखाया जा सकता, ये पहले भी सिद्ध करके दिखाया, इसीलिए उसको निषेध मुख से किसको निषेध करेंगे, जो सर्प आपको रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है उसी सर्प को निषेध करके करने से रज्जु दिखाई देगा, इसलिए बोलते हैं कि सर्पादि स्थानीय उक्त स्थानत्र जो पहले जागृत स्वप्न सुषुप्ति उसको निराकरण के द्वारा ये श्रुति कहती है आह। तब वहाँ पे देखिए कि तस्य विधि मुखेन निर्देश अनुपपत्ति प्राप उक्ताम, जो पहले कहा अभिप्रेत उसके मन में रखते हुए भगवान भाष्यकार बोलते हैं सर्पादि स्थानीय उक्त स्थानत्र निराकरण न आह। ठीक है ना, अब आगे देखिए बोलते हैं किम उत्तरेण ग्रंथेन तुरीय प्रतिपाद्यते किंवा तस्य स्थानत्रय वैलक्षण्यं विवक्षते। ठीक है, अब प्रश्न रखते हैं, अब बताइए ये अगला ग्रंथ भाग के द्वारा
तुरीय को प्रतिपादन किया, प्रतिपादन करना चाहते हैं, प्रतिपादन किया जाता है कि उत्तरे न ग्रंथि न क्या, अगला ग्रंथ भाग के द्वारा तुरीय प्रतिपादन, तुरीय को प्रतिपादन किया जाता है कि तस्य स्थान त्रय वैलक्षण्यम विवक्षते, वो तीन स्थान से इसका विलक्षण है, ये आप कहना चाहते हैं, क्या अभिप्राय है आपका? तब बोलता प्रथमे प्रतिपादकस्य विधान अव्यतिरेका अन्य निषेध अनर्थक, यदि किसी वस्तु का प्रतिपादन करना चाहते हैं तो आपको निषेध मुख से ये वस्तु ऐसा ये कहना पड़ेगा, आप किसी वस्तु को प्रतिपादन करके ये घड़ा है तो आपको दिखाना पड़ेगा सामने ला करके, जो कम्बू गिवा दिमान पेट मोटा इस प्रकार कोई वस्तु को दिखाना पड़ेगा। यदि जिसको आप प्रतिपादन करना चाहते हैं उसको कोई मतलब विधि मुख से उसको निर्देश करना पड़ता है, जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं उसको विधि मुख से बोलना चाहिए, इसलिए बोलते हैं प्रथम प्रथम मतलब यदि आप इसको प्रतिपादन करना चाहें, प्रतिपादकस्य विधान अव्यतिरेक, प्रतिपादन यदि करना चाहे तो वो विधि मुख से ही होगा, विधि से भिन्न नहीं हो सकता है। अन्य निषेध अनर्थक, अन्य उसके को निषेध करना यहाँ पे उपयोगी नहीं होता। एक नंबर विधान अव्यतिरेक, ठीक है ना, मतलब विधि अभिन्न का विधि मुख से ही आपको बोलना पड़ेगा, विधि से भिन्न करके आप नहीं कह सकते, निषेध मुख से नहीं कह सकते। यदि किसी वस्तु का प्रतिपादन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वस्तु ऐसा है ये कहना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा। और यदि आप उसे विलक्षण कहना चाहते हैं तब उसको दिखा करके ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, जो वस्तु का हम कहना चाहते हैं ये इससे भिन्न है, ऐसा कहना पड़ेगा, तो प्रतिपादन तो नहीं हो सकता। द्वितीय अपि तद अनर्थकम् आपत्ति, द्वितीय में भी वो जो है उपयोगी नहीं होगा, क्यों बोलते हैं अनुक्त एव उक्ता अन्य सिद्धे इति मनमान संगत, द्वितीय में भी यदि आप इसको विलक्षण कहना चाहते हो, जब आपने इसको कह दिया तब इसको प्रतिपादन करने की आवश्यकता नहीं है, इससे भिन्न चौथा हो गया, आपने बोला चार पाद वाला तीन पाद नहीं है तो जो बाकी जो है वही है, उसको भी शब्द प्रयोग की आवश्यकता नहीं है, ऐसा दोनों पक्ष है। इसको बोलता है उभयता पास रज्जु, आप इधर भी नहीं बोल सकते इधर भी नहीं बोल सकता, कहीं एक जगह पे कुछ कमी है समझ नहीं पा रहे, अब समझाएंगे ये पूर्व बात निशान का है। तो क्या बोलते हैं प्रथमे प्रतिपादकस्य विधान अव्यतिरेका अन्य निषेध, हमको विधि मुख से ही समझाना पड़ता है। द्वितीय अपि तद अनर्थक कम आपत्त, द्वितीय में भी उसको उपयोगिता नहीं है कि अनुक्त्य एव उक्त, मतलब आप जो नहीं कहा और जिसको कहा गया उसके नहीं कहने पर भी जो आपने कहा उसके माध्यम से समझ में आ जाता है, इसलिए तत्पाद अनुक्त सिद्ध ये इससे भिन्न है, क्योंकि आपने बोला वो चार पाद वाला है ये तीन पाद ऐसा है तो बाकी जो है चार पाद होगा, परंतु आप इससे भी ये इससे विलक्षण आते इसका स्वरूप ऐसा है ये हम कहना नहीं हुआ, बोले तो इससे भिन्न होने पर भी क्या है वास्तविक, ये समझाने के लिए अगर ग्रंथ की आवश्यकता है। सिद्ध इति मनमान संगते, तो प्रतीक भाष्य में आ जाइए न अंत प्रज्ञम इत्यादि, है ना, ये श्रुति बात है उसको प्रतीक लिया पहले, न अंत प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, ठीक है। अब बोलते हैं यहाँ पे शंका कांड वाले बोलते हैं ननु आत्मन चतुष्पातम प्रतिज्ञाय, आत्मा चार पैर वाला है ऐसा प्रतिज्ञा करके फिर क्या बोला पादत्रय कथन ही नहीं, तीन पाद की आप कथन कर दिया, तीन पाद की कथन कर दिया, और उस समय आपने यही बोले थे, क्या बोले थे कि तीन पाद के ऊपर चल करके चौथा पाद में पहुंचा जाता है, तो हमने सीढ़ी चढ़ गया तो छाप दिखाई देगा, उसमें कथन कहने नहीं क्या है, ये अभिप्राय होगा। इसलिए पादत्रय कथन ही नहीं, चतुर्थ अंत प्रज्ञाधिभ्य अन्य सिद्ध, मतलब ये नहीं है वो चाहे तीन पाद की आपने कथन कर दिया इससे भिन्न है, इसीलिए आपका अंत प्रज्ञता नहीं है, ऐसा सिद्ध अपना भी हो जाएगा, ऐसा अपना सिद्ध हो जाएगा, इसलिए न अंत प्रज्ञ इत्यादि प्रतिषेध अनर्थक, इसलिए न अंत प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ इस प्रकार के निषेध अनर्थक है, अनर्थक है। एक इसके ऊपर आक्षेप हो रहा है, श्रुति के ऊपर आक्षेप, श्रुति के ऊपर आक्षेप, भाष्यकार के ऊपर नहीं। आप देखिए तो बोला ना जो वस्तु जहाँ पे दिखाई दे रहा है उस वस्तु को वहीं पर निषेध करना है, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है और वो श्रुति हमको समझाना चाहती है, इसीलिए ऐसा प्रक्रिया को आपने ये शंका उठाया क्यों निषेध की उपयोगिता क्या है। आपने बोला ये तीन व्यक्ति ऐसा है ये उससे विलक्षण है, इतने तो ये समझ में आ जाता है कि इससे नहीं है ये व्यवस्था, तो फिर क्यों बोल रहा है, बोलता है ये जो है इसी के ऊपर ही दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार यहाँ पे एक टेबल है एक स्टैंड है एक पुस्तक है एक पेन है ये चौथा है ऐसा पता लगता है क्योंकि अलग अलग है, परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति के अंदर अनुसूत है, परंतु जागृत स्वप्न सुषुप्ति के धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति हम निषेध करते हैं, इस अभिप्राय से इसका अंदर अभिप्राय है।
ठीक है। ननु आत्मन चतुष्पादम प्रतिज्ञा, यह आत्मा चार पैर वाला है इसका प्रतिज्ञा करके पादत्रय कथन तीन पाद को विस्तार वर्णन होने द्वारा ही चतुर्थ से अंत प्रज्ञता चतुर्थ इससे अंत प्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ आनंद मुभुक् इससे भिन्न है, ये सिद्ध हो जाता है। इसीलिए न अंत प्रज्ञम इत्यादि प्रतिषेध अनंत, इसलिए न अंत प्रज्ञम इत्यादि जो वाक्य आया हुआ इस प्रकार निषेध कोई उपयोगिता नहीं है ऐसा पूर्व हमारे यहाँ सिद्धांत क्या है, जिस वस्तु को हमने जहाँ पे दिखाया उसी पे वहाँ पे निषेध करने पर तभी उसका मिथ्यात्व सिद्ध होता है। इस अभिप्राय से श्रुति हम बीज है वैतत्व प्रकरण के बीज है, ये मंत्र वैतत्व प्रकरण के बीज है, ठीक है। अब आगे देखिए टीका में क्या बोलते हैं, टीका में आ जाइए ननु के बाद से, न तावत तुरीय विधि मुखेन बोध्यम तस्य सब प्रकाश होता है। तुरीय जो है विधि मुख से आपको बोध करने योग्य नहीं है, मतलब वो ऐसा है ये कहने का आवश्यकता नहीं है, क्यों वो स्वयं प्रकाश है, वो अपने आप अपने को प्रकाशित करते हैं। इसी तरह से सब प्रकाशत्वात् तीन नंबर टिप्पणी में कुछ दो नंबर टिप्पणी कहाँ छोटा होते हैं, अनुक्ता एव उक्ता अन्नत्त सिद्धि, ठीक है पादत्रय उक्त्वा, ठीक है ना, तुष्णी स्थिति स्थित्यापि पादत्रय के कथन करने के बाद तुष्णीम स्थित यदि आप चुप बैठ जाते तद अग्रे अवशिष्टम तत् तुरीयम इति अनुक्त एव आगंतुकम सत्यम इति अर्थ। जिस प्रकार ये हम बोला था एक दिन ऐतिहासिक उपनिषद में ऐसा आया हुआ है, भगवान भास्कर समझा रहे हैं कि एक व्यक्ति को किसी ने किसी कर्म के कारण उसको डांट दिया था, जब तू मनुष्य नहीं, वो बेचारा सीधा साधा आदमी था, दुखी हो गया है, बोलते हैं कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, दुख मने मन के दुख से कहीं जंगल में चला गया, जा करके जहाँ पे किसी महात्मा के पास गया, बोलते हैं देखिए मैं जहाँ पे था वहाँ पे बोलते हैं मैं मनुष्य नहीं हूँ, ऐसा बोल दिया तो मैं हूँ क्या थोड़ा बताएंगे। तब वो क्या करते हैं कि जो दो चार दिन न हो यहाँ पे धीरे धीरे मन शांत हुआ, फिर अगर अपन जंगल में था पेड़ पौधा पशु ये सब दिखा है, बोलता तू ये है क्या, तू चिड़िया है क्या, तू पशु है क्या, तू पेड़ पौधा है क्या, नहीं है, ऐसा हर चीज़ को जो सामने दिखाई दे रहा था सबको निषेध कर दिया, सबको निषेध कर दिया, फिर चुप हो गया। चुप हो जाने के बाद तब वो बोलते हैं कि भगवान आप तो मेरे को मैं कौन हूँ ये समझाने के लिए प्रवृत्त हो, तब चुप क्यों हो गए। तो भगवान दासिका लिखते हैं जब दस वस्तु था नौ को निषेध करने के बाद एक ही बचता है, इतना कहने पर भी उसको समझ में नहीं आता, उसको यदि कहा जाता है तो मनुष्य को भी समझ में नहीं आता, ऐसे भी भाषण आया था ना भाषण। यहाँ पे यही कह रहा है जब आपने चार का प्रतिज्ञा की तीन के बारे में कथन कर दिया तो फिर अपने आप उससे भिन्न तो सुनते नहीं जाएगा, आपको बोलने का आवश्यकता क्या है, ये पूरा श्रुति को पराक्षेप है। पाद त्रय उक्त्वा तीन पाद की कथन करके तूष्णीम स्थित्या तूष्णी रूप में स्थित होने पर भी तद अग्रे अवशिष्टम जब इसके आगे जो बचा हुआ है तद अग्रे और उसके आगे जो बचा हुआ जब तद तुरीय वही तुरीय अगर यदि अनुक्त आगंतुकम चक्कम वो नहीं बोलने पर भी वो प्राप्त हो जाता है, ये इसका विपरीत रहता है, समझ में आया। ये जो है अनुक्त एवं उक्ता अनुक्त सिद्ध अनुक्त से भी उक्ति होती है, अनुक्ति से भी कुछ कहना जाता है, साइलेंट रहना भी आपका अभिव्यक्ति होता है, ना चुप रहना भी बहुत कुछ कहना, चुपचाप रहते हुए देखो ये कहीं ये था कुछ शायद कुछ था, चुपचाप रहते हुए कहते हैं बहुत कुछ, खामोशी भी एक तरह से गुफ्तगु है दोस्त, मतलब चुप रहना भी आपके अंदर गुफ्तगु, मतलब चुप चुप जैसे कुछ कहना ये होता है। तो यहाँ पे आप चुप रहेंगे तो हम समझ में आ जाएगा, बोलते भाई ये इतना सूक्ष्म वस्तु है, सामान्य व्यवहारिक वस्तु नहीं है, और हमको जिसको मिथ्यात्व सिद्ध करना है, यदि हम उसको चतुर्थ वस्तु को प्रतिपादन करना हमारा अभिप्राय नहीं है, जो दिखाई दे रहे इसमें पारमार्थिक सत्यत्व नहीं है, ये मुख्य रूप से सिद्ध करना है। इसीलिए आप बोलते हैं कि पादत्रय मुक्ता तुष्णीम स्थिति तद अग्रे अवशिष्टम तत्मी अनुक्त आगंतुकम शक्तम इति अर्थ दो नंबर टिप्पणी तीन नंबर तस्य सप्रकाशत्वात्।
तीन नंबर स्वप्रकाशत्व विधि मुखे न बोधे नहीं शब्द प्रकाशत्वम आवदेत इति भाव। आप वो जो है विधि मुख से बोलने पर ही तो वह वस्तु समझ में आता है, निषेध मुख से बोलने समझ में नहीं आता है। और हम तो यही इसका ये समझते थे स्वयं प्रकाश मतलब जिसको आप निषेध कर देंगे तब बात उसके बाद अपने आप ही वस्तु बोध हो जाता है। विधि मुखेन बोधे नहीं विधि के मुख के द्वारा ही बोध के द्वारा ही शब्द प्रकाशतम शब्द हमेशा विधि मुख के द्वारा ही समझाते हैं निषेध मुख, परंतु शब्द ये नहीं है। शब्द की एक सामर्थ्य है, क्या सामर्थ्य है, जो वस्तु जैसा है उसको उसी रूप में ही बोध कराते हैं। ये शब्द प्रमाण सबसे बड़ा सुविधा है। अब देखिए जिस प्रकार मतलब आप पहले चेन्नई में रहे उस समय आपको वहाँ पे कोई व्यक्ति मिल गया था, कहा कि हिमालय में एक गंगोत्री नाम की जगह है, वहाँ पे गंगा माता की मंदिर है। ये शब्द प्रमाण है आपके पास, परंतु इस वस्तु संबंधित आपको क्या हुआ, आपको परोक्ष ज्ञान हुआ, आपको परोक्ष ज्ञान, आपको अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ। परंतु यदि इस वस्तु का अपरोक्ष ज्ञान होना संभव है तब क्या होगा, यदि हमेशा यदि वस्तु वस्तु धर्म है ये, कई साल बाद आप जो है गंगोत्री में आए। अच्छा उसने आपको यही कहा था कि वो जगह जो ना बहुत अच्छा है, वहाँ पर थोड़ा ध्यान करोगे ना अच्छी अच्छी अनुभूति होगी आपको, ठीक है। ये भी आपको परोक्ष ही ज्ञान है, अपरोक्ष नहीं है। आप देखिए आप उसने इसने इसने एक ये यहाँ से हिमालय में गंगोत्री है एक मंदिर है, एक ये भी कहा, और वो एक तीर्थ भूमि है दूसरा, और तीसरा कहा वहाँ पर जा करके यदि आप साधन करोगे तो अच्छा दर्शन, ठीक है। ये शब्द तीन ही आदि परोक्ष है। आप देखिए आप जब यहाँ पे आए अब गंगोत्री मंदिर को आपने देखा तो क्या हो जाएगा, परोक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष हो गया आपका, ठीक। आप कुछ दिन रहे, कुछ रहने के बाद आप वहाँ पर साधन करने कुछ अनुभूति हुई, वो कौन देखेगा, आपको समझ में आएगा, आएगा समझ में क्या वो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है कि अपरोक्ष है, अपरोक्ष है। तब देखिए एक ही शब्द शब्दों में क्या सामर्थ्य है, शब्द में यह समझता है वस्तु धर्म का अनुसार आपको बोध कराएगा, ठीक है ना। ये साधन करने से जो अनुभूति वस्तु धर्म है कि वो अनुभूति आपके अंदर की बात है, वो किसी को नहीं कह सकते। गंगोत्री मंदिर प्रत्यक्ष हो सकता है, इसलिए वस्तु धर्म है। ये जो है शब्द प्रमाण है, सबसे बड़ा विशेष सबसे बड़ा लाभ है, ये सबसे बड़ा लाभ है। जैसे अभाव दृष्टांत जिसको प्रत्यभिज्ञा जैसे होती है, मतलब दोनों को हटाना, हटाने के बाद जो कोई विशिष्ट वस्तु का आपका बोध होता है वो आपका अंदर की बात है, वो आप ही समझ सकते हैं। ये क्या तुम वो नहीं हो, तुम हरे कृष्ण राम कृष्ण कुछ भी, अभी बम्बई में देखा था मोटा था जब आराम से देखा था जब क्या होता है तुम, हाँ भाई आप समझ जाते हैं। तो क्या है उसमें, क्या क्या वो है, वो ना आपको बम्बई ड्रेस मोटा फाटा कुछ नहीं यार, इधर तो कभी दिखाई नहीं था, उसके अंदर की कोई वस्तु है जो आप समझ रहे हैं, ये आपका अनुभव की बात है। ये जो चीज जो है इसी चीज को यहाँ पे खोल के समझाने के लिए कि शब्द में ये सामर्थ्य है कि पहले पहले आपको परोक्ष ज्ञान होगा, उसके बाद प्रत्यक्ष फिर अपरोक्ष। जैसा वस्तु धर्म है तो हमारे अंदर क्या अनुभूति हो रहा है वो अपरोक्ष है, बाहरी वस्तु की प्रत्यक्ष होता है, पर दोनों ही हमने सुना उसे। ये तत्त्वमसि महाभाग्य का ये लाभ है, पहला आपका परोक्ष ज्ञान, फिर आप विचार करेंगे करते करते पहले आपका मन का विषय बनेगा, फिर जैसे प्रतिबंध घटेगा दर्शन होगा। ये श्रुति की प्रक्रिया है, ये श्रुति की प्रक्रिया है। आप देखिए कैसे बोलते हैं कि तस्मिन तस्य स्वप्रकाशत्व, ठीक है ना, स्वप्रविधि मुखेन बोधन है शब्द प्रकाशत्व आवेदी भाव तस्मिन प्रकाशादि उदया, उसमें दूसरे किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, है ना। इसको प्रकाश आदि अन उदया विधि ही विषय प्रकाश आधानम करती, विधि क्या करता है विषय में प्रकाश को आधान करता है, उसको दूसरा कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। विधि बाप को क्या करते हैं, जिस विषय को प्रकाश करते हैं विधि बाप, मत आप ज्योतिषम जाप करना चाहिए, नित्य कर्म करना चाहिए विधि बाप को, अथवा आत्मा को जानना चाहिए आत्मा में, विधि क्या करते हैं विधि बाप को उस विषय को प्रकाशित करते हैं, दूसरा कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती होंगे, इसलिए बोलते हैं विधि विषय प्रकाश आधानम करोति, विधि विषय में प्रकाश को आधान करता है।
है ना, इति अभिप्राय। इसलिए वो स्वयं प्रकाश है, इसलिए तस्मिन् प्रकाश अनुदय, उस विषय में अलग कोई प्रकाश, को स्वयं प्रकाश है, उसके अलग प्रकाश की आवश्यकता नहीं है इस समय। मैं क्या किसी, इसलिए मैं अलग से ऊपर से समझा दिया। अंदर अभिप्राय क्या है, ये आपके अंदर जो जिस चीज को अनुभव करना, तुल्य को अनुभव करना चाहेगा, वो दूसरे किसी प्रकाश की विधि की आवश्यकता नहीं रखेगा। बस ये निषेध होने पर अपने आप ही अभिव्यक्त हो जाता है, अपने आप अभिव्यक्त हो जाता। तथापि समारोपित विश्वादि रूपेण जब प्रतिपन्नम तद निषेधे न बोध्यते, ठीक है। फिर भी अतः वो स्वयं प्रकाश है और वो स्वयं ही जब विधि का आत्मा वाले द्रष्टव्य आत्मा को प्रकाशित कर सकता है। फिर भी जो हमने पहले कह करके आया, जिसका डर आपका बैठा हुआ जगत का, वो जगत पारमार्थिक है नहीं, तुमने कल्पना कर रखा है। ये जब तक श्रुति अपने मुख से नहीं समझता है तब तक आप स्वरूप में स्थिर नहीं हो सकते। जब तक कोई पकड़, एक व्यक्ति डर के मारे कांप रहा था, ठोकर खाया गिरा सर फूट गया, ठोकर खाया गिरा सर फूट गया, कोई व्यक्ति आके उठाए, क्या बात है, क्यों उतना डरे, सांप सांप कांप में आ रहा है मेरे को, अरे अभी व्यक्ति यहाँ रहता है, ठीक है कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ दिखाते, उसका सर फूटा हुआ है, ध्यान देना उसको लेकर के आकर के वहाँ पे दिखाते, इसको देख के भगवान देखो ये मैं जो है भूल गया था इस लज्जी को, इस रस्सी को उठा के अंदर रखने के लिए, वो देख करके तो ना उसका ज्ञान हो जाता है। परंतु देखिए वो जो कांप रहा था वो तुरंत नहीं जाएगा, वो थोड़ी देर रहेगा, सर फूट गया वो और देर से जाएगा, ये प्रारब्ध, ये प्रारब्ध, ठीक है। तो यहाँ पे तो निषेध मुख पर वहाँ पे उसको वहाँ पे लेकर के दिखाना पड़ता है, तो अब बिल्कुल हौसला आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे बोलते हैं कि तथापि फिर भी समारोपित तो विश्वादि रूपेण, उसके रूप में समग्र रूप से आरोप लिया गया है उस तुरियो के ऊपर जो विश्व तेजस प्राज्ञ टीका में है ना, और विश्वादि रूप जब प्रतिपन्न, जिसको प्रतिपन्न किया तब निषेध है ना बुद्ध, तो उसको निषेध करके उसको बोध किया जाता है। जो चीज जहाँ पे दिखाई दे रहा है वही भी उसका निषेध करे, मतलब वो पारमार्थिक प्रतीति मात्र है, सत्य वस्तु नहीं है, वो सत्य तो अधिष्ठान है। इसके लिए भी हम तो बोलते हैं जब तब निषेध है ना बुद्ध तब अनिषेध है तस्य यथावत अप्रथनात्, यदि उसका निषेध नहीं करेंगे तो अधिष्ठान का यथार्थ बोध नहीं होगा। यदि उसको हम निषेध नहीं करेंगे जो तो हमको दिखाए, ये इसीलिए बोलता है नायम सर्प, पहले ये बोलते हैं यम रज्जु, नायम चोर, यम स्थानो, अयम स्थानो, ये चोर नहीं है, मतलब उसको निषेध करके मुझे समझा, क्योंकि जो डर मन में बैठा हुआ है वो डर को फिर हटाना पड़ता है, नहीं है तो क्या है, जब अरे भाई वहां सर्प नहीं है, सर्प नहीं है, तो थोड़ा सा हिम्मत हो जाता है, चलो तो देखते आते हैं, पहले वो बोलना पड़ता है, इसीलिए आप निषेध मुख से बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं तद और निषेध, यदि उसको निषेध नहीं करते तस् मतलब अधिष्ठान यथावत अप्रथन, तो अधिष्ठान का तुर्य का यथार्थ बोध होना संभव नहीं है, वो प्रकाश नहीं होता। पांच नंबर यथा मतलब प्रत्यक अभिन्नत्वेन, टिप्पणी का बहुत जगह पर ठीक जगह पर पकड़ लिया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति कहाँ दिखाई दे रहा है, अपने अपने में दिखाई दे रहा है, अब यहीं पर जागृत स्वप्न सुषुप्ति निषेध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये पारमार्थिक नहीं है अपना स्वरूप, वो पारमार्थिक, इसीलिए यहाँ पे देखें, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कि तत् यथावत अप्रसन्न होता प्राग प्रत्येक अभिन्न, ये तुरीय तत्व हमारा स्वरूप है, प्रत्येक आत्मा से अभिन्न है, ये समझ में नहीं आता, इसलिए यही भी निषेध कर रहे हैं उसको जगत स्वरूप। अतः न निषेध अनर्थक कभी, पर इसलिए निषेध अनर्थक नहीं है, निषेध ही तो ये यही जो है वैदत जगत की मिथ्या, देखो बोलते हैं शंकर जो आपने मुँह से नहीं बोला, श्रुति कहें जगत का मिथ्या नहीं कहा, अरे मिथ्या नहीं का ये क्या कह रहे, जहाँ पे जो वस्तु दिखाई दे रहा है वही जो नहीं है, निषेध कर रहे, यही तो मिथ्या तो विलक्षण है, हम मिथ्या और कुछ पुस्तक को नहीं बोलते, हमारी परिभाषा ही ऐसी है, प्रत्येक दर्शन में अपने आप में पारिभाषिक शब्द की परिभाषा है, हम मिथ्या की ही परिभाषा दे रहे हैं, क्या देते हैं, जो वस्तु जहाँ पे दिखाई देता है वो वस्तु वहीं पर यदि निषेध हो जाता है तो उसी को हम मिथ्या बोलते हैं, प्रतिपन्न उपाधो त्रैकालिक निषेध प्रतियोगिता मिथ्या, तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं आप, इसलिए अतः न निषेध अनर्थक, इसलिए निषेध अनर्थक ये आप नहीं कह सकते, ठीक है। अब आगे देखिए ऊपर आ जाइए, न कहाँ क्या मतलब, न सर्पादि विकल्प प्रतिषेधे न एव, ठीक है, सर्पादि विकल्प प्रतिषेधे न एव रज्जु स्वरूप, रज्जु
स्वरूपम अप्रतिपत्तिवत् अवस्था अप्रतिवत्त्रि अवस्थस्य एव आत्मनो तुरीयत्वेन प्रतिविवादेषितत्वात्। जैसे आपका पहले बोलते हैं कि नहीं ये अनर्थक नहीं है, क्यों नहीं है, सर्पादि विकल्प प्रतिषेध है ना, ये बोल ठीक है, सर्पादि जो विकल्प किया था, कोई सर्प कोई भूषित कोई जल धारा कोई माला कोई दंड अलग अलग विकल्प किए थे इसके ऊपर, सर्पादि विकल्प प्रतिषेध है ना एव रज्जु, यहाँ पे ना म लिखा है, स्वरूप होना चाहिए वहां पे, ठीक है, हाँ म के जगह प कर दिया शास्त्र, क्योंकि जो डर मन में बैठा हुआ है सर्प सर्प, आप तब तक वहां पे नहीं जाएंगे जब तक आपको कोई ना कह दे अरे भाई वहां पे सर्प नहीं है, घबरा क्यों रहे, इतना ही काम गुरु का है, अरे घबरा क्यों रहे हो, साधन में एक बार प्रवेश तो करो, देखो क्या आनंद है, इसलिए एक को हमें सर पर नहीं आए, साधना में डर नहीं है, साधना में कोई ये नहीं है, मतलब दुख नहीं है, वो आनंद की वस्तु है, अब प्रवेश करो उसमें एक बार, आप तब उधर जाओगे धीरे धीरे, और जैसे आप धीरे धीरे स्वरूप को रज्जु को देखना मतलब क्या होगा, आप अपने स्वरूप को देखना सीखेंगे, तब क्या हो जाएगा जागृत स्वप्न सुषुप्ति अपने मित्र से है ना, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि सर्पादि विकल्प प्रतिषेधे न एव रज्जु स्वरूप प्रतिपत्तिवत्। इस प्रकार दृष्टांत तो भाग है, जिस प्रकार रज्जु के ऊपर अपने सर्प जलधर माला भूछित्र दंड जो भी कल्पना की जितना विकल्प किए थे वो सारा विकल्प को निषेध कर देने पर जो अधिष्ठान रूप में दिखाई पर स्पष्ट बोध हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से त्रिअवस्थस्य एव आत्मनो तुरीयत्वेन प्रतिपत्ति, जो तीन जो आत्मा वो तीन अवस्था में दिखाई दे रहा था, जो रज्जु सर्प जलधारा भूषित दंड माला रूप में दिखाई दे रहा था वो नहीं है, वो रज्जु ही है वो, ठीक इसी प्रकार जो आत्मा जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप में व्यवहार करते दिखाई दे रहा था वही पे बोल रहा है कि जागृत स्वप्न तुरीय ही है, उससे रहित है, इसलिए बोलते हैं त्रिअवस्थस्य एव आत्मनो तुरीयत्वेन, तीन अवस्था में जो आत्मा दिखाई दे रहा था उसी को तुरीयत्वेन, उसी को तुरीय रूप में, मतलब जो रज्जु सर्प रूप में दिखाई दे रहा था अथवा भूचित्र माना दंड कुछ उसी को ही रज्जु रूप में दिखाना अभिप्राय, नहीं तो मिथ्या सिद्ध नहीं होगा, जहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वहीं पर उसका निषेध है, तभी तो मिथ्या होगा, इसलिए आप बोलते हैं कि आत्मन तुरीयत्वेन प्रतिपिपादेषित, वही वहीं पर आत्मा की, इसीलिए ये तुरीय मतलब चतुर्थ मतलब 1 2 3 4 ऐसा नहीं गिन सकते आप, 1 2 3 को निषेध करने से फोर्थ तक पुनः जन्म आएगा, ये अभिप्राय है, इसलिए प्रतिपिपादेषित आत्मा, बहुत सुंदर दृष्टांत दिया भगवान दास ने, देखिए तत्तमसि इतिवत्, अब समझिए इसको क्या कहना चाहते हैं भगवान, तत्तमसि बात समान अधिकरण, हम तो ऐक समान अधिकरण बोलते हैं वहाँ पे, बात समान अधिकरण भी होगा, परंतु मैं अभिप्राय क्या है, बात बोलो, बात समान का बात करके ही तत्त्व का बोध होता है, यानी कि वहाँ पे ठीक इसी तरह से यहाँ पे मतलब तन को जो दिखाई दे रहा है उसको पहले दिखाएगा, जो दिखाई दे रहा है उसको पहले दिखाएगा, यहाँ पे तत्त्वमसि शब्द इतना छोटा सा बोल दिया, अभिप्राय क्या है, श्वेत केतु को सामने दिखाई दे रहा है, इसमें श्वेत केतु तम, वो जो श्वेत केतु तुम तत्त्वमसि मतलब जिस सत पद के तरह हम कह करके आए थे सदैव वो ही तुम हो सज, ठीक इसी प्रकार क्या हुआ यहाँ पे, ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति जिस तुरियों के ऊपर दिखाई दे रहा है तो पहले जागृत स्वप्न सुषुप्तम जागृत स्वप्न सुषुप्ति तत्त्वमसि मतलब क्या हो जाएगा, वो तुरीय से जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के अंदर ही तुरीय है, मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति के साथ तादात में ना करो तो तुरीय समझ में जाए, जैसा तत्त्वमसि, तत्त्वमसि महावाक्य में शेद कर, तो जब तक आपने भी इस पिता का पुत्र मान शरीर मान रहा तब तक नहीं होगा, सहज एष अनिमा अवितदात्मिदगुण सर्व स आत्मा तत्त्वमसि, ठीक है ना, ये तत्त्व मतलब क्या है, हमेशा ये मैत्री ब्राह्मण में देखिए, मैत्री ब्राह्मण श्रुति का अभिप्राय यही है, सामने दिखाई क्या पड़ता है, जीव, तो जीव सामने दिखाई पड़ता है उसी को दिखा करके बोलते हैं, जन बोलते हैं शुद्धोशी बुद्धोशी निरंजनशी, ये जो दिखाई पड़ रहा है उसको शरीर को उसी को बोल रहे हैं, परंतु क्या दिखाई दे रहा है, ये शरीर तुम नहीं हो, ये शरीर तुम नहीं हो, मैत्री ब्राह्मण में भी ऐसे ही है, क्योंकि नवारे पति काम आए पुत्र काम आए ये सब जो आया हुआ है ना, ये सब क्या है, एक तो शरीर जीव को दिखाई पड़ते हैं, उस जीव को देख करके फिर उपदेश करता है कि बस यही तू है, यही परम तत्व है,
यही प्रज्ञान घन है, ना यही विचार है, यही वेदांतिक सिद्धांत है कि विचार पूर्वक उसका निषेध होने पर तत्व का अनुभव होने। हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे लोग समझ नहीं पाता, बोलते हैं जीव को तो दिखाया गया है, जीव को दिखाया गया है कि वहाँ पर मतलब एक को उद्देश्य करके एक को विधान किया जाता है, एक को उद्देश्य करके एक को विधान किया, व्याकरण के नियम है, एक को उद्देश्य करके ज्ञान को विधान किया है, एक उद्देश्य एक विधेय है, सामने जो दिखाई दे रहा है बोलता है कि ये तो पारमार्थिक नहीं है, यहाँ पे ये विधेय जिसका है वो वहाँ पे उसको वहाँ पे वही बिंदु वस्तु विद्यमान है, ये तत्वमसि वत इति, ठीक है ना। आप इसको पर टीका करें, दृष्टांतों में कितना भाग का लेना है ध्यान रखें, इतिवत बोला दृष्टांत तत्वमसि वत, मतलब जीव को सामना खड़ा करके उसको दिखाया जाता है कि देख ये जीव नहीं है, तू परम ब्रह्म है, जैसे व्यक्ति के सामने ले जा करके दिखाता है, देख तेरे को सर्प दिखाई दे रहा है, सर्प नहीं है, पादत्रय विलक्षणस्य अर्थात एव सिद्धो अपि, ठीक है, अर्थ से आर्थिक अर्थ सिद्ध हो जाता है, ये वो है नहीं कथन करने, तीन पाद को कथन करके ये नहीं है बोलने से अर्थ से सिद्ध हो जाता होने पर भी, परंतु यही ब्रह्म है ये समझ में नहीं है, यही व्यापक है असंदेह पूर्ण, इसलिए बोलते हैं तुरीयस्य पादत्रय विलक्षणस्य अर्थात एव सिद्धो अपि, ये जीवात्मन जीव रूप में जो अपने को दिखाई दे रहा है, जीव स्वरूप जो अपने को मान रखा है वो क्या है, स्थानत्रय विशिष्ट विशेषती है, जीवात्मन षष्टि है, जो स्थानत्रय के तरह विशेषित होकर के अपने को समझता है, जो अपने को स्थानत्रय के तरह परिच्छिन्न मानते हैं, उसी ने तुरीय ब्रह्म स्वरूप मिति, ये तू ही तुरीय है, तू व्यापक स्वरूप है, ये न उपदेश मानते न सिद्ध, तो उपदेश के अन्न बिना, देखिए कई व्यक्ति आकर के गंगोत्री आदि स्थान में टूरिस्ट स्पॉट हो गया, आजकल घूम के चले जाते हैं, परंतु साधक उस दृष्टि से नहीं आते, साधक आते हैं वहाँ पे देखने की दृष्टिकोण है उनका, हाँ यहाँ का कुछ अनुभव कर लिया, होता है ये भी होता है, अब जैसा देखना चाहेंगे जैसा अनुभव कर, ये उपदेश आप यहाँ पे आने से कुछ अनुभव होता है, आपको किसी ने कहा ना तभी तो आप दूसरी की तरफ भाग नहीं गया, वो आपको आपको मन में बैठा, वहाँ पे और भी सुनने वाले थे, परंतु जिसका जैसा संस्कार है वो वहाँ पे आकर मैं उसको देखता हूँ कि आपको ये विश्वास है कि नहीं, गंगोत्री मंदिर तो चले अन्न चले गए, परंतु वो वहाँ पे खड़े गए, वो वहाँ पे वो अनुभव करने के लिए उपदेश आवश्यकता है, देखो यहाँ पे जाकर के जब तुम साधन करोगे ना मन अपने आप शांत होगा, तो आप कोशिश करें उसको, ये उपदेश की आवश्यकता है, हम इतना कह दिया कि वो देखो दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता में जो है ऐसे गंगोत्री नहीं है, ये भी वो दिल्ली बॉम्बे का ये भी आपको कुछ समझ, परंतु उसका अंदर विशेषता क्या है, क्यों नहीं है वो आपको अनुभव करना, इसीलिए यहाँ पे इसका उपदेश की आवश्यकता, इसी आप बोलते हैं कि तुरीय से पादत्रय विलक्षण से अर्थात एवं सिद्ध जीवात्मन स्थानत्रय विशिष्ट से तुरीय ब्रह्म स्वरूप मिति न उपदेश मंत्र न सिद्ध इति तुरीय ग्रंथ मत, ये देखिए यहाँ तुरीय ग्रंथ मतलब क्या ग्रंथ की अगला भाग है ना, अर्थवान हो अति उपयुक्त है उपयोगी है इति अर्थ अर्थशाली है इति अभिप्रेत अर्थ है। आगे टीका में यथा विधि मुखेन प्रवृत्तेन तत्वमसि इति वाक्येन स्थानत्रय साक्षिण तंपद लक्षणस तत्पद लक्ष्य ब्रह्मता लक्षणया बोध्यते, ठीक है ना, यहाँ तक हम छोड़ देंगे बोध्यन मतलब बोध बोध समझेंगे, यथा जैसे विधि मुखेन प्रवृत्ति न विधि मुख से प्रवृत्ति हुआ था है ना, कि देखो ये जो अन्न खाया हुआ तीन भाग में विपसा देव संग बोल करके समझाए, अब प्रवृत्ति न तत्वमसि इति वाक्येन तत्वमसि इस वाक्य के द्वारा स्थानत्रय साक्षिण आप क्या आ गया, तीनों स्थान में रहने वाला जो तीन स्थान का साक्षी, अब तीनों स्थान का साक्षी मतलब पता है उसको देखने वाला ताक्षी न, तो वो का साक्षी कौन है, तम पद लक्ष्य जो तम पद के द्वारा लक्षित होते हैं, दिखाई तो दे रहे तम छेद के दो, मतलब उसका लक्षित कौन है, क्योंकि वाच्यार्थ में ऐक्य नहीं है एकत्व नहीं है, वाच्यार्थ में जब एकत्व नहीं है तब हमको क्या करना पड़ेगा कि उसका लक्षार्थ दूसरा का श्रुति बोल रहे, तो वहाँ पर लक्षार्थ में क्या लक्षार्थ क्या हो जाएगा कि तम पद लक्ष्य ये तम पद का जो लक्षार्थ है वो क्या साक्षी, तत्पद लक्ष्य ब्रह्मता वो साक्षी व्यापक है
तो ब्रह्मता अलग अलग है, साक्षी एक है, व्यापक है, तत्पद ब्रह्मता, वो जो ब्रह्मता है लक्ष्य नया लक्षणाभिधि के द्वारा समझाया जाता है, बोध करके समझाया जाता है। जैसे वहाँ पे ऐसा हुआ इसी प्रकार यहाँ भी कथा निषेध शास्त्रे न अपि तात्पर्य विद्या जीवस्य तुरीय ब्रह्मत्वं प्रतिपादयितुं दृष्टान्तम् आहोरात्र। ठीक है, कहता है कितना समझा के लिखता है, लेकिन ठीक उसी प्रकार से निषेध शास्त्रे न अपि निषेध शास्त्र को माध्यम बना करके, निषेध शास्त्र को क्या निषेध कर रहे हैं, न अंतर प्रज्ञम न बहिष्ठ प्रज्ञम न उभयतर प्रज्ञम न प्रज्ञ, निषेध शास्त्र के द्वारा भी तात्पर्य वृत्तिया तात्पर्य दृष्टि से तुमको जीव तो दिखाई दे रहा है, तुमको जीवन में तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य ब्रह्मत्व है, इसलिए बोलते हैं तात्पर्य वृत्तिया, तात्पर्य की वृत्ति से जीवस्य जहाँ पे जीवत्व दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्या बैठा हुआ है, जीवस्य जीवत्व नहीं बोला, जीवस्य ब्रह्मत्व बोल रहे हैं, घट में घटत रहता है, पद में पटत रहता है, तो जीव में जीवत्व रहेगा, पद शुद्धि क्या बोलता है, जीव में ब्रह्मत्व है, यानी कि ब्रह्मत्व है पहले से विद्यमान है, इसीलिए बोलते हैं जीवस्य तुरीय ब्रह्मत्व, है ना, तुरीय मतलब ये तीन से विलक्षण जो व्यापक परिच्छन रहित प्रतिपादन, इसको प्रतिपादन करने के लिए दृष्टान्त महादेव छांदोग्य उपनिषद में भी ऐसे ही कहा गया, जो भी कुछ दिखाई देगा वो वहां पे नहीं है, परमार्थिक नहीं है, बस वृत्ति का ही केवल मतलब अधिष्ठान कारण एक मतलब सत्य ये वहां पे कहा गया है। इसे तथा निषेध शास्त्रीय तात्पर्य जीवस्य तुरीय ब्रह्मत्वं प्रतिपादयितुं दृष्टान्तम्, दृष्टान्त क्या दिया, तत्त्वमसि इति वत्, केवल एक जगह पे नहीं, मैत्री ब्रह्म में भी ऐसे है, मैत्री को खड़ा करके जीव को दिखा करके यही ब्रह्म है, यही प्रज्ञान घन है, इसी प्रकार से हर जगह पे किसी चीज को नहीं समझ पाने के कारण जीव ब्रह्म को तो भेद करके दिखाया वहां पे, अरे भेद करके दिखाना वो तो हमारा सामान्य बुद्धि में आता है, मैं ब्रह्म से भिन्न, मैं ईश्वर से भिन्न हूँ, जीव को जब दिखाते हैं तब भेद करके दिखाते हैं तो ईश्वर से भिन्न है, परंतु प्रतिपादन जब करते हैं तब बोलते तो अभिन्न है, यानी कि एक अनुवाद भाग श्रुति में एक अनुवाद भाग है, एक प्रतिपाद्य भाग है, एक अनुवाद भाग है, एक प्रतिपाद्य भाग है, ये सर्प नहीं है, ये अनुवाद भाग है, और एक प्रतिपाद्य है, ये रज्जु है ना, मतलब उसी को लिए हम ठीक क्या बोलते हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये हमारे अंदर है, हम उसको अपना धर्म समझ लिया था, अब ये क्या बोलते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति पारमार्थिक नहीं है, जिसको हमने समझा था इस अभिप्राय से, इसी प्रकार से जो अपने को इसका पुत्र मैं ज्ञानी पंडित हूँ ये सब अपना मान रखा था वो सब हटा के बाद निर्विशेष में एकत्र दिखाया गया, ठीक यहाँ भी ऐसे समझना चाहिए। आगे देखिए ठीक है, और क्या बोलते हैं, ननु स्थानंतरे विशिष्टस्य आत्मनम नैव तुरीयात्मत्वं तुरीय ग्रंथेन प्रतिपाद्यते, शंका करने वाले बोलते हैं नहीं नहीं ये जो आप बोल रहे हैं ये बात सही नहीं है, मतलब कि स्थानंतरे विशिष्टस्य आत्मनम, जो आत्मा तीन स्थान के द्वारा विशिष्ट है वही आत्मा का ही तो उसी चेतन तत्व का ही नाम है, विश्व तेजस प्राज्ञ उसी चेतन तत्व का नाम है उपाधि के माध्यम से, इसी प्रकार मृत्तिका का ही नाम है घरा, मृत्तिका का ही नाम है तस्कर, मृत्तिका का ही नाम है गुल्ल, ठीक इसी प्रकार से उसी शुद्ध चेतन तत्व का ही नाम है जगत, बोलते हैं स्थान त्रय विशिष्ट आत्मन, तीन स्थान के द्वारा विशिष्ट होकर के जो आत्मा दिखाई देता है नहीं वह तुरीयात्मत्व, उसमें व्यापक आत्मा है, यहाँ पे तुरीय शब्द से ब्रह्मत्व लेना, द्वितीय तुरीय शब्द से चतुर्थ लेना, अगला ग्रंथ मत से एक ही जगह पे देखिए कितना सुंदर शब्द प्रयोग की शैली देखिए, साहित्यिक दृष्टि देखिए, नहीं वह तुरीयात्मत्व तुरीय ग्रंथेन, तुरीय आत्मत्व मतलब व्यापक आत्मत्व असंग आत्मत्व, तुरीय ग्रंथ मतलब अगला ग्रंथ भाग के जाए है ग्रंथ करके ना प्रतिपाद्य प्रतिपादन किया जाता है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तुरीयस्य विशिष्टादि विलक्षणत्वेन अत्यंत भिन्नत्वा तत्र आह, क्योंकि तुरीयस्य तुरीय का यदि स्थान है, तुरीयस्य विशिष्टात् विशिष्टात् विलक्षणत्वेन अत्यंत भिन्नता तत्र आहो, आप जैसे ये अत्यंत भिन्न वस्तु है, एक तो है मिल करके दृष्टांत दृष्टांत में यही थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कि आपने ये स्थान त्रय को निषेध करके कहना चाहते हो, यदि स्थान त्रय के साथ उसका संबंध होता था तो उसको निषेध करते, उसके साथ उसका संबंध है तो वहाँ पर निषेध क्यों कर रहे हो, इस अभिप्राय से शंका करने वाले बोलते हैं
तुरीयस्य विशिष्टात् विलक्षणत्वेन, तुरीय उपाधि के विशिष्ट उपाधि के साथ विशिष्ट होकर के दिखाई दे रहा है, उससे बिल्कुल अलग है। ये होने के कारण अत्यंत भिन्नता, तो अत्यंत भिन्न होने के कारण इसीलिए तुरी आत्मा को उसके माध्यम से समझाना युक्त, मतलब औपचारिक नहीं है, मतलब युक्ति संगत नहीं है, ऐसा पूर्ववादी कहना चाहते। अब जो उसका उत्तर बोलते हैं, यदि ही अवत्रियावस्था आत्म विलक्षणम तुरियम अन्न तत्प्रतिपत्ति द्वार अभाव शास्त्रोपदेश अनर्थक सुन्नता, ये बात नहीं है, वो उससे विलक्षण है परंतु उससे अलग नहीं है बिल्कुल। जिस प्रकार ये मैं अगर आपको ये कहते हैं तो चार वस्तुएं, एक टेबल है, एक कवर है, एक स्टैंड है, एक स्टैंड है, पुस्तक है, ठीक है ना, तो ये तीन नहीं है तो पुस्तक को ना जो ये तीन नहीं है बोलते ही हो जाएगा, परंतु बिल्कुल अलग है, परंतु विलक्षण है, इसका अलग भी है, दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि इसके माध्यम से इसको निषेध करके इसके माध्यम से आवश्यकता नहीं है, परंतु बोलते ये बात नहीं है, ये तुरीय इसके अंदर अनुसूत है और इसलिए तुरीय के ऊपर भ्रांति हुई कि मैं यही अवस्था वाला हूँ, उसको निषेध करना है पवित्र। यदि ये तुरीय इससे अत्यंत विलक्षण होता तब ऐसा नहीं करता, उसी का अंदर ही अनुसूत है, इसीलिए वही उसका निषेध करते हैं। इसे हम बोलते हैं तुरीयस्य विशिष्ट विलक्षण तेन अत्यंत भिन्नत्वात् तत्र, यदि कोई ये शंका किया गया वो अत्यंत भिन्न वस्तु है, बोलते नहीं वो अत्यंत भिन्न वस्तु नहीं है, वो सभी के अंदर अनुसूत है किंतु तादात्म्यता नहीं है। यदि ही त्रयावस्थात्म विलक्षण तुरीय, तीन अवस्था जो है उससे विलक्षण तुरीय है, अन्नत यदि बिल्कुल अलग है, तद प्रतिपत्ति तब उसको समझाने का जगह ही नहीं मिलेगा कभी, तभी तो कभी भी तुरीय का बोध नहीं किया जा सकता है ना, तब उसको समझाने का जगह ही नहीं मिलेगा। इसीलिए यही जो अंदर प्रक्रिया है उसी को जिसके ऊपर आरोप किया है उसी को हम निश्चित करते हैं। यदि तुरीय ऐसा इससे संपूर्ण एक अलग वस्तु होता दिखाई नहीं पड़ता तो कभी नहीं समझा पाते आप, कमरे का अंदर कोई वस्तु है जो हमको दिखाई नहीं दे रही, जब हम आपको समझाना चाहते हैं समझा पाऊंगा भी नहीं पाऊंगा, परंतु इसके अंदर वो चीज छुपा हुआ है, कमरे का अंदर भी जो आकाश है ना वही यहाँ भी अंदर है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस में अंदर आकाश पड़ा है। जब यहाँ इसके जब परंतु जो आकाश इसके अंदर अनुसूत होते हुए भी इस वस्तु के साथ इसका संबंध नहीं है, सर्वत्र असंबंध। इसी प्रकार से यहाँ पे बोलना चाहता है यदि ही त्रयवस्थ आत्म विलक्षणम तुरीयम अंतर, यदि ऐसा होता तरीका तब प्रतिपत्ति द्वार अभाव, तुरीय को बोध कराने के लिए हमारे पास के दरवाजे नहीं, प्रमाण तब नहीं हो पाता, पर तो क्या जगह शास्त्र अनर्थक, शास्त्र के उपयोगी नहीं रह जाता, ये होता है शास्त्र उपदेश अनर्थक कम, बोलते नहीं है अनेक बोध होता तब क्या होगा, तुम शून्यवाद में आ जाओगे, तुम शून्यवाद में आ जाओगे, जगत दिखाई दे रहा है मतलब कोई कारण नहीं है यही कह दोगे तब। ध्यान देना यहाँ पे उस समय जो है ना मुख्य रूप से बौद्धवाद जिस समय ब्रह्मांडों को कार्यकारी का गया था उस समय बुद्धवाद भगवान शंकराचार्य के समय बुद्धवाद बोलवाला था, वो शून्यवादी के पक्ष में थे, शून्यवाद मतलब जगत शून्य से उत्पन्न होता है, तो आप ये तुरियों को भी निषेध कर दोगे तो क्या हो जाएगा, शून्यवाद आ जाएगा। हम ऐसा वेदांत ऐसा नहीं है, इसको प्रतिज्ञा करके के बोलते हैं कि प्रातिभाषिक वैलक्षण्य अभी विशिष्ट उपलक्षणयोर आत्यंतिक वैलक्षण्य अभावात् न तात्विकं तुरीयस्य विशिष्टात् अन्नत्वम्। ये जो हमारा फंडामेंटल कांसेप्ट, प्रातिभाषिक वैलक्षण्य अपि, एक है प्रातिभाषिक वस्तु के एक इसके ऊपर कल भी, ये जो एक आधार आधे भाव है, एक समसत्तर वाला आधार आधे भाव है और एक विषम समत्तर वाला आधार आधे भाव है, हमारे यहाँ पे कौन सा आधार आधे भाव है, विषम समत्तर वाला, समसत्तक वाला हो गया घड़ा और जल, विषम सत्ता वाला एक है प्रातिभाषिक, एक है आपका व्यवहार है ना, जो विषय को दृष्टांत देते हैं प्रातिभाषिक है, और दृष्टांत में क्या है, एक प्रातिभाषिक और एक पारमार्थिक, रज्जु सर्प दृष्टांत में प्रातिभाषिक और व्यवहारिक, ठीक है, और दृष्टांत में क्या है, प्रातिभाषिक और पारमार्थिक, हाँ इस सत्ता की भिन्नता है। इसी यहाँ पे क्या बोलता है, प्रातिभाषिक वैलक्षण्य अपि, प्रातिभाषिक वस्तु से आत्मा की विलक्षणियों का विलक्षण होते हुए भी विशिष्ट उपलक्षणयोर, एक हो गया विशिष्ट और विशिष्ट के द्वारा जो उपलक्षित होता है उपलक्षण है, आत्यंतिक वैलक्षण्य अभावात्, मतलब देखिए जिस प्रकार हम मृत्तिका घड़ा को देख करके मृत्तिका को समझते हैं तो मृत्तिका और घड़ा में बिल्कुल टोटल डिफरेंट है, अत्यंतिक वैलक्षण विलक्षण है ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि घर मृत्तिका से ही घड़ा होना संभव है, बालू से नहीं, तिल से ही तेल मिलता है, हम सत्कार्यवादी हैं,
इसलिए बिल्कुल वैलक्षण्य तो अभावत न तात्विकम तुरीयस्य विशिष्टम अन्नतम, है ना। तात्विक दृष्टि से मतलब बिल्कुल अलग करके तुरियों का जो विशिष्ट मतलब उपाधि के साथ विशेष होकर के जो दिखाई दे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से तात्विक टोटल डिफरेंट है, ये बात नहीं है। यदि टोटल डिफरेंट होता है तो कभी समझा नहीं पाते, उसी के अंदर रहते हैं तभी तक हम समझ पाते हैं। इसका लक्षण को देख करके तब हम बोलते हैं देखो ये जितना लक्षण जागृत स्वप्न में दिखाई दे रहा है इससे भी लक्षण है, नहीं तो हम कभी समझा ही नहीं पाते। इसीलिए हमें बोलते हैं प्रातिभाषिको वैलक्षण्य अपि विशिष्ट उपलक्षण हो, आत्यंतिक वैलक्षण्य अभाव विशिष्ट और उसका तरह उपलक्षित है जो वस्तु विशेष उपाधि और उपहित, उपाधि और उपहित उपाधि के साथ देखो जिसको दिखाया जा रहा है इन दोनों में टोटल विलक्षणता नहीं है। इसलिए हमें बोलते हैं आत्यंतिक वैलक्षण्य अभाव न तात्विक तुरीयस्य विशिष्ट, तात्विक भिन्नता नहीं है, तुरीय वहीं पर अनुसूत है, लक्षण में भिन्नता है, मतलब एक मिलते हैं दूसरे के साथ पर एक है रहते वहीं पे परंतु सर्वथा असंग रहता है। यदि ऐसा नहीं होता तो उस वस्तु को हम कभी समझा नहीं पाते, उस वस्तु को हम कभी बोध नहीं कर पाते। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति में शरीर की व्यवहार को देख करके, इसमें सारा परिवर्तन को देख करके एक अपरिवर्तनीय तत्व को हमको समझ में आता है, क्योंकि परिवर्तन को देखने के लिए एक अपरिवर्तनीय तत्व चाहिए, फंडामेंटल कंसेप्ट है। किसी भी परिवर्तन को समझाने समझने के लिए एक अपरिवर्तनीय तत्व चाहिए, इसीलिए वो बिल्कुल वहाँ पे नहीं है ये कहने से कब समझ, वो वहाँ पे रह करके इस परिवर्तन को देख रहे तभी इस अपरिवर्तन समझ में आ रहा है। तो इस कमरे में बैठ करके सोता रहे यहाँ पे क्या हो रहा है क्या पता, कोई नहीं बता पाता उसको, इसीलिए यहाँ पे इतना भिन्नता नहीं है। इसलिए बोलते हैं पे एक नंबर टिप्पणी प्रातिभाषी कही एक पुरुष से देखिए समझ रहे कुंडल दंडादि विशेषेण कुंडलित्व दंडित्वादीना वैलक्षण्यम जब तत् प्रातिभाषिकम व्यक्ते अभिन्नत्वा। टिप्पणी का समझने के लिए कितना सुंदर बोलते हैं, एक ही व्यक्ति क्या है कभी कुंडली आदि पहन के घूमते हैं, कभी दंड लेकर के घूमते हैं, जब दंड कुंडली आदि पर के राज सिंहासन पर तथा वे है, और कभी जब किसी टहलने जाता है सामान्य, तो दोनों एक दंडित्व और कुंडलित्व अलग अलग धर्म है, पर तो व्यक्ति में जो व्यक्तित्व अलग नहीं है वो व्यक्ति इस रूप में दिखाई पड़ रहा है, वो मतलब वो व्यक्ति वो कुंडलित्व दंडित्व में अनुसूत है, अनुसूत है वहां पे। ये चीज इतना हिस्से में गौर करना है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से हमारा तुल्य विलक्षण इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु जागृत स्वप्न सुषुप्ति के अंदर अनुसूत रहता है, और जिस प्रकार एक व्यक्ति एक ही व्यक्ति मतलब दंड धारण करने उसमें दंडित्व धर्म और कुंडल धारण करने कुंडलित्व धर्म उसी शरीर में दिखाई देने पर भी व्यक्ति भिन्न नहीं है, एक ही तुरीय के ऊपर जागृत स्वप्न सुषुप्ति धर्म दिखाई देने पर भी वो जो तुरीयत्व धर्म में भिन्नता नहीं है, जागृत धर्म की अभिप्राय से यहाँ पे कहा जाए, ठीक है ना। इसीलिए आप बोलते हैं कि ब्रह्मांड को कार्य का समझने के लिए आपको बहुत सूक्ष्म चीज अपने आप दिमाग में आ जाएगा, इस बात से आपको खुल के बताना है कि प्रातिभाषिक वैलक्षण्य विशिष्ट उपलक्षण्य आत्यंतिक वैलक्षण्य अभाव न तात्विकम तुरीयस्य विशिष्ट, तात्विक से नहीं है, अन्यथा अत्यंत भिन्नयो मिथ संस्पर्श विरहीन हो उपाय उपाय भाव अजवा तुरीय प्रतिपत्तौ विशिष्टस्य द्वारत्व अभाव अन्यस्य च तत् प्रतिपत्ति द्वारस्य अदर्शना तुरीय अप्रपति अप्रतिपत्ति एव स्याद् इति अर्थः। टीकाकार कितना सुंदर लिख देखिए, अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानोगे तो अत्यंत भिन्नयो अत्यंत भिन्न वस्तु मिथ संस्पर्श आपस में जिसका संस्पर्श होना संभव ही नहीं है, मिथ संस्पर्श विरहीनो है ना मेरे विषय में, इसमें उपाय उपाय भाव आप नहीं कह सकते हो, इसके माध्यम से दिस इज द मीन दिस इज द गोल। हमने क्या बोला तीन पाद उपाय है और चतुर्थ पाद उपेय है, ये उपाय उपाय भाव यदि बिल्कुल अलग होता तब इसको कभी आप समझ नहीं पाते। इसलिए हमें बोलते हैं कि अन्यथा अत्यंत भिन्नयोर मिथ संस्पर्श विरहीन उपाय उपायो भाव अजोगा, वहाँ भी अन्य बिल्कुल टोटल डिफरेंट वस्तु में उपाय को भाव होना संभव नहीं होने के कारण तुरीय प्रतिपत्त इस तुरीय तत्व के बोध में विशिष्ट से दारंत अभाव तरीके जाएगा, विशिष्ट दरवाजा नहीं बन पाएगा, जब तक स्वप्न सुषुप्ति दरवाजा नहीं बन पाएगा, और इसके बिना अन्य प्रतिपत्ति दारस दूसरा कोई भी वस्तु नहीं है जिसके द्वारा आप तुरीय को समझा सकते हो, हर जगह पे यही लिया या तो पंचकोश लिया या तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति लिया, ठीक है ना, मतलब यही पे खड़ा करके दिखाया और दूसरे को नहीं ले गया,
पंचकोश विवेक है हमारे पास इसमें, अथवा जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसके माध्यम से समझाया जाता है, मतलब यहाँ पे दिखाई पड़ता है। यदि इसके बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है उसको समझाने के लिए, इसे तत्प्रतिपत्ति दार्श अदर्शनाथ तुरीय अप्रतिपत्ति नहीं हो सकता, तुरीय का कभी बोध ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि अर्थ ठीक है, इसका भी प्रेत अर्थ है ठीक है। तब इसमें बताया शास्त्र इसको दोबारा आप एक बार अपने पूरा पंक्ति को देखना, अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानोगे तो अत्यंत भिन्नयोर, दो बिल्कुल भिन्न वस्तु, गाय भैंस की तरह भिन्न वस्तु है, बिल्कुल अलग है। यदि ऐसा होता मिथ संस्पर्श विरहीन, आपस में दोनों का संस्पर्श कभी नहीं होता, इस प्रकार से जिस प्रकार उपाय उपाय भाव अजोगा, इसमें उपाय उपाय तो भाव होना संभव नहीं है। इसके माध्यम से एक को माध्यम बना करके दूसरे को समझाओगे, दो बिल्कुल अलग अलग रहने वाले वस्तु, ये होना कभी संभव नहीं। इसलिए हम बोलते हैं अजोगा तुरीय प्रतिपत्तो, तुरीय के बोध में विशिष्ट द्वार क्या हो जाएगा, वो विशिष्ट में द्वारत्व धर्म नहीं आ पाएगा, और दुष्ट को तुरियों की बोध में दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। अन्य सचेत प्रतिपत्ति दारस्व अदर्शना, दूसरा कहीं भी इस उपाय हमने नहीं दिखाई पाया, जीव को खड़ा करके आपको भी उसमें परेशानी है, इसलिए वहीं पे दिखाना पड़ेगा आपको। इसके साथ जब दोनों विलक्षण है मतलब फिर वहीं पे दिखाना पड़ेगा, इसलिए तुरीय अप्रतिपत्ति तुरियों का कभी बोध नहीं हो पाएगा। शास्त्र कहता कहीं शास्त्र से बोध हो जाएगा, अरे शास्त्र जो तुमको खड़ा करके दिखा रहा है शास्त्र से क्या बोध होगा, शास्त्र तो तुम्ही को खड़ा करके दिखा रहा है। तो कहते हैं शास्त्र प्रतिपत्ति से दी दीजिए, बोलते हैं न इत्याहो, वहां पे जो न इति में जो तो और यो अलग अलग है ना, वहां पे तो अलग नाम कर दीजिए, इतना शास्त्र न शास्त्र उपदेश अनर्थ करे, शास्त्र तो ऐसा दिखा रहे हैं, शास्त्र से बाहर हम थोड़ी हम जा रहे हैं ठीक है, नहीं पे रखेंगे। आज सेकेंड श्लोक आएगा, आज सेकेंड श्लोक को देखिए उपसंहार में, यद जनप्राह घोरे समुद्रे दुर्लभं भूतहेतो यस्तं पूज्यापि पूज्यं परमं गुरुं पादपपादैः नमः।